हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ जाना बहुत सी लोगों की एक सपना होता है। जो भी पर्यटक दुबई जाता है वो यहाँ की अमीरी, आलीशान लाइफस्टाइल और गगनचुंबी इमारतों को देख के एक बार दोबारा आने की मन वही बना लेता है। दुबई में एक ही थ्योरी चलता है, नंबर वन किसी भी चीज़ का निर्माण होगा तो वो दुनिया में नंबर वन होगा या तो एकमात्र होगा। और यही कारण है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ऊँची इमारत, दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल, दुनिया की सबसे बड़ी टीवी और दुनिया की एकमात्र सेमेस्टर होटल मौजूद है। दुनिया का 40% सोने का कारोबार दुबई में ही होता है, इसलिए सोना बहुत ही सस्ता मिलता है। दुबई इतना डेवलप शहर है कि यहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी और बेंटली जैसे कार होता है। दुबई का विकास 1960 के बाद प्रारंभ हुआ, जब यहाँ तेल की खोज हुई। उसके पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र 50 वर्ष में इतना उन्नति कर ली कि आज ये पूरा विश्व में सुंदर शहरों में गिना जाता है। दुबई की कुल आबादी जनसंख्या मात्र 15% है, बाकी जो आबादी है सब विदेशी है, जिसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसी है। दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें 43.4% लोग भारतीय मूल की है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, पर अधिक इस्तेमाल की जाने वाला भाषा इंग्लिश है। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, यह क्राइम रेट 0% है। लोगों का यह गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान सिर्फ 6% है। दुबई की मुख्य इनकम की सोर्स टूरिज्म बिजनेस और रियल एस्टेट है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ किसी जगह की पिन कोड या जिप कोड नहीं होता। किसी जगह पर पहुंचना है तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से हुआ पूछा जा सकता है। दुबई में ऐसे भी एटीएम है जिसमें सोने के सिक्के निकलती है। दुबई के लोग लग्जरियस कार के शौकीन हैं। दुनिया की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार यहाँ देखने को मिल जाती है। बुर्ज खलीफा आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और साथ ही दुबई की एक बेहतरीन आकर्षण भी है। आप इसकी ऑब्जर्वेशन डेक में जाकर पूरी दुबई की बेहतरीन नजारा ले सकते हैं। दुबई डेजर्ट सफारी करके रेगिस्तान में रोमांच और एडवेंचर की मजा ले सकते हैं। कोल्डसुक ऐसा एक जगह दुबई में है जहाँ सोने के बाजार सस्ते सोने और सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले सोने के लिए मशहूर है। द मिरेकल गार्डन, ये खूबसूरत फूलों का बगीचा है। ये प्राकृतिक फूलों का बगीचा 72,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, जिसमें दुनिया भर की हजारों फूलों की दिखाई देगा आपको। दुबई मॉल चकाचन से भरपूर ये शॉपिंग मॉल खास ऐसा जगह है जहाँ से आप आसानी से विश्व की सबसे ऊँची इमारत बुर्ज खलीफा और दुबई फाउंटेन जा सकते हैं। बुर्ज अल अरब होटल बिलासते के किसी भी पैमाने में इस होटल या होटल में ऑफर की जाने वाले सर्विसेज का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। फेरारी वर्ल्ड अबूधाबी के मशहूर यास आइलैंड में स्थित है। ये बेहद मशहूर थीम पार्क जो दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज कार फेरारी की थीम पे बना है, मतलब स्पीड या रफ्तार। अटलांटिस द पाम, यह न सिर्फ रहने के लिहाज से आकर्षक है बल्कि इसकी वास्तुकला आपकी मन को छू लेगा। यह आप डॉल्फिन के साथ भी रूबारू हो सकते हैं। कोई लोगों के लिए दुबई एक सपनों का शहर है और वहाँ की खूबसूरती को पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन दुबई में कोई ऐसी कानून है जिसकी वजह से आपको वह दिक्कत आ सकती है। अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हैं या वहाँ रहने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है। दुबई में ट्रैफिक नियम काफ़ी सख्त है। यहाँ हर वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ने से डरता है। यहाँ जगह जगह पर कैमरा लगे हुए हैं। नियम तोड़ने पर फोटो के साथ चालान मालिक के घर में पहुँच जाता है। दुबई में कपल एक दूसरे को सार्वजनिक स्थान पर किस नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना भी दुबई में क्राइम है। दुबई में आप सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पी सकते, आप सिर्फ होटल या पब के अंदर पी सकते हैं। दुबई में रमजान के समय सार्वजनिक स्थान पर कुछ भी खाना अपराध है। तो दोस्तों, ये था कुछ रोचक जानकारियाँ दुबई के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।